करते हैं इन्हें स्टार्ट, और पहनने के बाद आपको दिखाता हूँ। और ऐसे बीच बीच में झटके भी लग सकते हैं। तो वही पड़ रहे, जैसे लड़कियां हील पहन के चलती हैं, आप देख पा रहे हो मुझे स्कीजर पोजीशन में करके, एक पैर आगे एक पैर पीछे। राम राम, सबको स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे, और एक फॉलोवर ने हमारे एक चैलेंज दिया था कि आप आगे के दो व्हील्स, मतलब कि जो बीच में व्हील है उसको बड़ा रखो 110 mm, और जो साइड के दो व्हील्स है उसमें 80 mm रखो बस। तो आज हम वही करने वाले हैं। मैं फटाफट अपने स्केट्स को सेटअप करूँगा, आपको दिखाऊँगा भी एक बार, और उसके बाद उन स्केट्स को चला कर देखूँगा कि कैसे चल रहे हैं, और आपको फिर लेकर चलूँगा अपने साथ इस जर्नी पर। लेट्स गो। तो मैं फटाफट से अपने स्केट्स में वो व्हील सेटअप करके आपको दिखाता हूँ, और आपको मिलता हूँ सीधे वीडियो में। और सब्सक्राइब कर देना भाई, पहले ही आज पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ, ये वाले। तो भाई अपने पास हैं ये 4 80 mm के व्हील्स, ये मैं लगाऊंगा इसके अंदर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, फटाफट से लगाता हूँ फिर मैं आपको मिलता हूँ लगाते हुए। तो भाई हमने कर लिया है अपना सेटअप, देख लो, 180 आगे, 180 पीछे, और बीच में 110 mm का व्हील है। अब देखते हैं इन पे बैलेंस कैसा बनता है और क्या होता है। करते हैं इन्हें स्टार्ट, और पहनने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो भाई पहन तो लिए हमने, अब देखेंगे चला गया इन्हें। ओ भाई, तो खतरनाक ही लग रहे हैं। भाई मैंने लगा तो लिए व्हील्स ये वाले, चलाने में अभी पहले आपने देख ही लिया होगा मुझे एक बार, तो मैं ऑलरेडी लुढ़क चुका हूँ, और आगे मेरे को पैर करके चलाने पड़ रहे हैं, जैसे लड़कियां हील पहन के चलती हैं, आप देख पा रहे हो मुझे, देखो। ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप हो रहा है भाई। और अगर इसमें चलाने हैं तो फिर स्लोप पे ऐसे पैर करके चला सकते हैं बस। लिया क्या? तो भाई हम थोड़ा स्लोपी एरिया पे आ गए हैं, यहाँ से हम स्लाइड करके देखेंगे, और ये आप सीधी रोड पे तो इसको थोड़ा बहुत ही मुश्किल से चला पाओगे, लेकिन अगर थोड़ा स्लोपी है तो आप इसको इस तरह चला सकते हो कि दोनों को सीजर पोजीशन में करके एक पैर आगे एक पैर पीछे, इस तरह से आपका स्केट्स चल सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर स्प्रिंट मार लोगे तो वो बहुत ही मुश्किल है, या तो स्केट्स को आप आगे की तरफ ही चला सकते हो, या फिर ऐसे पीछे की तरफ चला सकते हो। ये देखो, इस पोजीशन में भी आप इसको चला सकते हो, ट्रैक्टर पोजीशन में भी, यानी कि आगे वाले। दो व्हील्स और पीछे वाले दो व्हील्स के ऊपर, और ऐसे डिसबैलेंस भी हो सकते हो मेरी तरह। अब हम इस पे थोड़ी तेज चला के देखेंगे। थोड़ी तेज भी हम इस पे चला पा रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज नहीं चला पाएंगे, और उसको बीच वाले व्हील पे टिकाना पड़ेगा हमें, अगर हमें बैलेंस बना के रखना है तो। ऐसे आप भी कर सकते हो, लेकिन ट्राई एट योर ओन रिस्क, घुटने उठने फूटने की दिक्कत है, और हाथ में भी चोट लग सकती है, और ऐसे बीच बीच में झटके भी लग सकते हैं। अभी एक हम यहाँ पे सर्कल में राउंड मार के देखेंगे इससे, और ये भाई किसी बहन का दुपट्टा रहेगा, ले जाओ यहाँ पे, मैं छोड़ के जाया करो। चलो रेडी। अब हम थोड़े स्लोप पे चलेंगे वहाँ पे आगे, और स्लोप पे भी थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो राइट भी निकल सकती है। चलो आ जाओ।
अगर ऐसा सेटअप आपने कभी पहले बनाया है या फिर बनाओगे तो भाई केयरफुल रहना, गिरने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो भाई आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये मुसीबत की जड़ है। अगर आपको इंजरीज को बुलावा देना है तो आप ये कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आप एक प्रोफेशनल ना हो तो। चलाने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद या फिर थोड़ी देर में एडजस्ट हो जाता है, और आपको सारा वजन मोस्टली बीच वाले व्हील्स पर ही देना पड़ेगा या फिर ऐसे स्केच को सीजर पोजीशन में लगा के इसको चलाना पड़ेगा। तो भाई हमने स्लोप पे स्केटिंग करके तो देख ली, अब मैं यहाँ से एक बार टी ब्रेक ट्राई करता हूँ, टी ब्रेक इसमें हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो शुरू करते हैं अपना टी ब्रेक। थोड़ी देर चलाने के बाद मेरे को इसकी हैबिट हो गई, और सर सारा वजन जो है आपके मिडिल व्हील पे ज़्यादातर आएगा। ये अनटिल एंड अनलेस आपको एक शूज़ की तरह रखोगे इसको, तो फिर बीच वाले व्हील पे और राइट वाले व्हील पे, आगे वाले व्हील पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। आप ऐसे चलाने की कोशिश करोगे तो आप गिर जाओगे, उससे बेटर है कि मिडिल व्हील को और आगे वाले व्हील को प्रेशर दे के फिर चलाओ, आप इसे ईजिली चला पाओगे। तो भाई आप थोड़ी सी स्प्रिंट ट्राई करेंगे इस पर, ये मैं कह सकता हूँ स्प्रिंट तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल एक स्केटिंग की पोजीशन में आके आप कर सकते हो जैसे कि मैं कर रहा हूँ। डर भी लग रहा है बीच बीच में, लेकिन मज़े लेने हैं तो करना तो पड़ेगा ना रिस्क। हाँ मेरी जान, ये देखो पूरे डर लग रहा है बैक स्केटिंग के लिए। तो ये देख लो गाइस, इन लाइन में चार व्हील पे बैक स्केटिंग, लेकिन मुश्किल है थोड़ी। आप ट्राई मत करना ये, मैं बैक स्केटिंग करके तो दिखा पा रहा हूँ, जो प्रोफेशनल है वो ही करना। चाहे आप स्टंट बना रहे हो या वीडियो बना रहे हो या तो भी भाई हेलमेट ज़रूर पहनो, जिससे कि एटलीस्ट आपका सर्वर फूटने से बच जाए। टाइम का कुछ नहीं पता कब किसका ख़राब आ जाए। तो भाई ये आज का मोटिवेशनल स्पीच, और हम यहाँ आ तो गए लेकिन जो हम समझ रहे थे वो रोड बहुत बेकार है, और भागो ऊपर। यहाँ हमें नई रोड मिल चुकी है, अगली बार से इस रोड पे स्केटिंग करने को आएंगे। और यहाँ पे इधर की साइड है, देखो सामने इधर दिखा दे, सामने गंगा है उधर, जिसे बहुत अच्छे अच्छे इंसानों ने पॉल्यूट करके उसे बराबर कर दिया, नाले उसी में मिला दिए। अब चलते हैं वापस एक बार उधर दिखा दे नीचे। अब जैसे कि ये स्लोप है, अब मैं यहाँ से जाऊँगा सीधे नीचे की तरफ, अनुज मुझे यहाँ खड़े होकर रिकॉर्ड करेगा, फिर एक लिमिट तक पहुंच के फिर अनुज भी पीछे पीछे आ जाएगा, क्योंकि अनुज को भी घर जाना है। और मैं यहाँ बैठ के अब इस पर बैलेंस बना चुका हूँ अपना ठीक से, तो मैं इजीली कर पा रहा हूँ। और ये भाई भी साथ में स्केटिंग करने आया है आज, तो गाइस अब पावर स्लाइड ट्राई करेंगे। जैसे कि ये बैक स्केटिंग में आ गया, ये हमारी सस्ती पावर स्लाइड, एक बार और ट्राई करेंगे। रेडी, ये देखो। तो पावर स्लाइड तो पड़ पा रही है, लेकिन बहुत आराम आराम से पावर स्लाइड आपको मारनी पड़ेगी, तब जाके आप पावर स्लाइड को मार पाओगे। अगर आपने सोचा कि नहीं एकदम फुल एंड फाइनल खतरनाक पावर स्लाइड, यहाँ ब्रेक मार दे तो जा रहे 5 किलोमीटर मजे ही मजे, ये मत करना। धीरे धीरे करोगे चीज़ों को तो ईजिली हो जाएंगी। और अगर स्टाइलिश दिखना है तो ऐसे कर लो, अगर आपको इसमें मज़े करने तो एक पैर आगे वाला नीचे और दूसरे राइट वाले पैर का पैर ऊपर कर लो, इस तरह से भी आप अच्छा बैलेंस इसमें क्रिएट कर पाओगे। तो भाई अगर आप स्केट्स में और कोई सेटअप देखना चाहते हो तो बता दो, हम वो चीज़ भी ट्राई कर लेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और एक अपना कमेंट नीचे छोड़ के जाना, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि हमारी वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंच गई है या नहीं। और आपको कोई और चैलेंजेस देखने हैं स्केटिंग के तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आप ये वाला
अपना चैलेंज शूट करो, तो हम आपके लिए वो भी कर देंगे। मिलता हूँ तब तक के लिए अगली वीडियो में, बाय बाय। ऑल्सो भाई जितने लोग देखते हैं एटलीस्ट वो तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारे चैनल की थोड़ी सी रीच बढ़ जाए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। और ये दोनों आए हैं आज मेरे साथ स्केटिंग करने, ये देखो अनुज को आज 11वां 12वां दिन है। और ये देखो भाई इसकी रेल बन गई व्हील की, ये चैलेंज के चक्कर में व्हील ऐसे टूट जाता है, देखो रेल रेल बन गई। अब हम अपना सेटअप चेंज करेंगे।